मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई है और ना ही भाजपा कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने किसी उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाया है। लेकिन इंदौर में कांग्रेस के दावेदारी में इतना उत्साह है कि कांग्रेस नेताओं ने अभी से अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं। वहीं कांग्रेस दफ्तर से लेकर महापौर के लिए दावेदारी कर रहे बड़े कांग्रेसी नेताओं के घर पर जमघट लगा हुआ है। इंदौर की वार्ड क्रमांक 64 के दावेदार और कांग्रेस नेता ने चुनावी कार्यालय खोलकर लोगों की परेशानी को सुनना शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी शुरू कर दी है। हालांकि अति उत्साह में अभी से चुनावी दफ्तर खोलने वाले दावेदारों का कहना है कि ये चुनावी कार्यालय नहीं है बल्कि कांग्रेस को वार्ड स्तर पर मजबूत करने के लिए शुरू किया गया कांग्रेस कार्यालय है, ताकि लोगों की समस्या को सुनकर उन्हें हल किया जा सके, साथ ही वार्ड स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। देखिए, आप बाहर देखेंगे, बोर्ड देखें, सब जगह देखें आप, उसमें साफ लिखा है कार्यालय मंडलम क्रमांक 64, विधानसभा क्रमांक 3। जो मंडलम अध्यक्ष आशीष गोयल, वो पीछे मंगल मूर्ति रहते हैं, मेरा मकान भी पीछे मंगल मूर्ति में ही आ है, अभी शिफ्ट हो गया, आपको मालूम होगा। तो वो लगातार वो यहाँ पर संगठन के लोगों को बुला रहे हैं, आम आदमी की समस्या सुन रहे हैं और कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं यहाँ एक होकर रोज़ आते हैं, रोज़ चाय नाश्ता यहाँ पर होता है और सब लोगों का एक ही प्रयास है कि वार्ड क्रमांक 64 को हम कैसे जीतें। पिछली बार भी वार्ड हमारा जीता हुआ था, उस एक निर्दलीय व्यक्ति के लड़ने के कारण ये वार्ड हम हारे थे। कांग्रेस यहाँ हमेशा मजबूत रही है और 2000 से प्लस ही लीड यहाँ पर कांग्रेस की रही है। तो इस बार भी प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, आम जनता को जोड़ें, उनकी समस्याओं कैसे निपटाएँ। और जल्द ही आपको टिकट भी दिख रहा है कि जनवरी के अंदर ही चुनाव है या फरवरी में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे इंदौर में ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यालय खोला गया, किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, पर कहीं ना कहीं सभी जगह कांग्रेस पार्टी के लोगों को खोल के और जनता की समस्या को सुनना चाहिए, आज से जनता के बीच में जाना चाहिए, जिससे लगातार जो हमारे कांग्रेस के पार्षद है वो जीते और जो महापौर का प्रत्याशी होगा वो भी चुनाव जीते। कांग्रेस नेताओं ने जिस प्रकार से अपने कार्यालय खोले हैं उस पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में शुरू से ही अनुशासन की कमी दिखाई देती है। कांग्रेस के नेता ब्लैकमेल करने की राजनीति कर दबाव बनाने का काम करते हैं, जो कि भाजपा में नहीं है। देखिए, कांग्रेस क्या करती है इस पे तो मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता शुरू से ही चरम पे रही है, अनुशासन की कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो हम कह लें भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो हमारे नेता हों कार्यकर्ता हों, उनका सबसे बड़ा उदाहरण ही अनुशासन में रहना है। तो कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है इस तरह ब्लैकमेल करना, दबाव बनाना, राजनीति करना, वो वापस से वही कर रहा है। एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उन लोगों को भी टिकट में प्राथमिकता मिलेगी? नहीं, ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है। जो भी हमारे परिवार में आए हैं सब लोगों को समाहित करके सब लोग मिलकर सामूहिकता से जो निर्णय लेंगे और जो प्रत्याशी हमारे होंगे हम सब लोग उसको जिताने में लगेंगे। हालांकि दोनों ही पार्टी कांग्रेस और भाजपा में पार्षद पद से लेकर महापौर पद के दावेदारों की लंबी कतार है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किस पर अपना विश्वास जताती है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।